उत्तर भारत में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लू के थपेड़े के बीच गर्मी के और भी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भयंकर गर्मी से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी गर्मी ज्यों की त्यों बनी हुई है। रिपोर्ट में देखिए, गर्मी बनी आफत, गर्मी में एसी की तैसी, उत्तर भारत में लू का सितम, आसमान से बरस रही आग, तेज धूप और गर्मी के साथ पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में घर बैठे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। भीषण गर्मी से लोग बिलबिलाते नजर आ रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में तापमान और लू दोनों ने ही पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ऐसे में लोग कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं। गर्मी में लोगों को राहत देने वाला नींबू पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। इस झुलसा देने वाली गर्मी का अंदाजा कुछ शहरों के तापमान से लगाया जा सकता है। दिल्ली 40 डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश 41 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा 39 डिग्री सेल्सियस, गुजरात 42 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 39 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश 39 डिग्री सेल्सियस। तीखी धूप और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बदन झुलसा देने वाली धूप से हर तबका परेशान है। तपिश का असर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। कारोबारियों में दुकानदार तो पंखे और कूलर की हवा से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन फुटपाथी दुकानदारों को तन और धन दोनों का नुकसान सहना पड़ रहा है। बावजूद इसके कुछ सावधानियां अपनाकर मौसम की मार से बचा जा सकता है। धूप में निकलने से बचें, लगातार पीते रहे पानी, खान पान का रखें खास ध्यान, ज्यादा ठंडा पानी पीने से बचें, कॉटन के कपड़ों का करें इस्तेमाल, मुंह और सिर को तेज धूप से बचाएं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 5 डिग्री तक और भी बढ़ सकता है। लगातार बढ़ते पारे ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। अब यह हाल है तो फिर आने वाले वक्त में गर्मी कितना सितम ठाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।